गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा न्यू हेयर ऑयल यूज कैसे करना है। और गाइस, यह बहुत आसान और इजी प्रोसेस है गाइस। और इसका प्राइस क्या है और सब कुछ डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस तेल को दिन में कितनी बार लगानी है और इसका सेफ्टी टिप्स या आइडियाज़ क्या हैं, सब कुछ धीरे धीरे बताऊँगा इस वीडियो में आगे। और आप देख सकते हैं इस हेयर इस ऑयल को मैं, देखिए मैं लगाया हूँ, लगभग 2 महीने से मैं लगा रहा हूँ। थोड़े थोड़े मेरे बाल आ रहे हैं, लगभग मैं अभी तक 2 बोतल लगा चुका हूँ। न्यू हेयर लोशन के बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है ऑयल, ये देखिए जो बार कोड लगा है ये ओरिजिनल है। अगर आपको इस तरह ना मिले जान लीजिए ये फेक है। आपको अगर कहीं परचेस कर रहे हैं आपको इसी उसमें लेना है, इसमें बार कोड लगा होगा। और इसके बॉक्स पे जो न्यू हेयर लोशन है इस पे होगा ये ओरिजिनल लिखा होगा, देख सकते हैं। और ये जो इसका मेड इन थाईलैंड का बना हुआ है इस पे आप देख सकते हैं पूरा बाकायदा लिखा हुआ है greenbell.com करके, पैराडाइज इंटरनेशनल जनरल ट्रेडिंग LLC करके है। और आगे बात करता हूँ और इसको यूज कैसे करना है और इसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या है इसके बारे में बताने वाला हूँ आगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल का नाम है हेल्थ केयर आइडियाज़, और शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों, अगर आप न्यू हेयर लोशन को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले मेरा एडवाइस है कि आप गाइस, आप अपने सिर के जो बाल हैं, बड़े बड़े बाल, उसको छोटा कर लीजिए, जीरो साइज कर लीजिए या ट्रिम करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप डर्मा रोलर यूज करेंगे, इसका एक डर्मा रोलर आता है, अगर आप डर्मा रोलर यूज करेंगे तो आपका बाल वहाँ से थोड़ा थोड़ा टूटेंगे। अगर छोटा रहेगा तो आज जो आप ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाने से आपके पूरे स्कल्प पे बाल अच्छी, ये ऑयल जो है अच्छे तरीके से अंदर स्कल्प के अंदर जा सकता है। और गाइज, ये है हमारा डर्मा रोलर। ये डर्मा रोलर बहुत क्वालिटी, अलग अलग टाइप के डर्मा रोलर आते हैं। ये 0.5 mm का है। आपको यही यूज करना है, दूसरा कोई यूज नहीं करना है। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है, सबसे फर्स्ट स्टेप, आप यूज करने से पहले आपको शैम्पू से धुल लेना है अपने सर को। शैम्पू से धुलने के बाद अच्छे से सुखाना है। उसके बाद ये जो डर्मा रोलर है इसको क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे 10-10 मिनट, और एंटी क्लॉकवाइज इसको ऐसे रगड़ना है, या कंघी से भी ऐसे कर सकते हैं 10 मिनट तक। आप देख सकते हैं मेरे बाल पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन अभी देखेंगे आप बाल आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने 2 बोतल लगाया अभी तक, तो कुछ तो रिजल्ट आया है अभी तक। आप देख सकते हैं डर्मा रोल इस तरह यूज करना है। थोड़ा चुभेगा पहले, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि आज के ज़माने में दुनिया में बहुत लोग बाल झड़ने से प्रभावित हैं। और मैं आपको इसके बारे में पहले बताने वाला हूँ और क्या क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने स्कल्प को धुल लेना है। धुलने के बाद ये जो ऑयल है, जो बताने वाला हूँ ऑयल जो है इसको, ये स्प्रे, मेन चीज़ यही है दोस्तों, गाइस दोस्तों यही है मेन हेयर ऑयल यही है। इसमें भी अलग दो दो क्वालिटी के आते हैं, इसमें भी एक लोकल और एक ओरिजिनल आते हैं। आप देखिए इस पे न्यू हेयर लिखा हुआ ना, अगर आप इसको यहाँ से करेंगे तो ये जान लीजिए ओरिजिनल है ये। लेकिन यहाँ से इसका जो पेपर है ना ये निकल नहीं रहा, तो ये ओरिजिनल है। और इसी में दोस्तों एक डुप्लीकेट आता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए डुप्लीकेट है, आप इसको निकालेंगे ना ये इसका निकल रहा है, ये डुप्लीकेट है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप डर्मा रोलर को यूज कर लिए 10 मिनट तक, उसको क्या करना है बढ़िया से इस स्प्रे को यूज करना है। ये देखिए साइड से ऐसे से इसको यूज करना है, ऐसे से रगड़ना है। रगड़ने के बाद इसको ऐसे से लगाना है, ऐसे से इस पे रगड़ खाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह 10 मिनट तक दोस्तों, 10 मिनट तक करना है। उसके बाद क्या करना है,
और दोस्तों एक चीज और मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको शैम्पू जो यूज करना है बेबी जॉनसन शैम्पू ही यूज करना, कोई दूसरा शैम्पू यूज नहीं करना है। साफ समझ बता रहा हूँ, कोई दूसरा शैम्पू यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी आ सकता है, इसीलिए मेरी गुजारिश है आप लोग ये बेबी जॉनसन शैम्पू ही यूज करना, दूसरा कोई शैम्पू नहीं यूज करना। और उसके बाद और इसका जो साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप कभी भी अगर बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप कैप लगाइए या हेलमेट लगाइए, बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट लगाइए। मतलब आपको धूप में ज़्यादा नहीं निकलना है, अगर धूप में निकलेंगे तो इसका कुछ रिजल्ट इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसमें धूल आएगा तो जो हमारा हम जब रगड़ते हैं इसको तो इसके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये अगर वहाँ पे कचड़ा आ जाएगा तो हम जो ऑयल जो इसका ऑयल का है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको बचना है धूप से, आपको हमेशा इसको कवर करके रखना है, इस स्क्रब को जहाँ आप ऑयल लगा रहे हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों एक चीज़ बता रहा हूँ, ब्लैक होगा क्योंकि आप कोई भी चीज़ अपने सिर पे जब रगड़ेंगे ज़्यादा देर तो वहाँ का जो सर्कुलेट स्कैल्प है इसके अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा, जब सर्कुलेट होगा तभी आपको फायदा होगा। दोस्तों एक चीज़ और है, ये जो न्यू हेयर ऑयल है ना, फायदा ये नहीं देता है जितना ये डर्मा रोलर देता है, डर्मा रोलर ही सब कुछ है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज करेंगे तभी फायदा होगा, खाली ऑयल लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, इस समझ लीजिए मेरी बात, ऑयल लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस। और इस न्यू हेयर लोशन को आपको दिन में दिन 2 बार यूज करना है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ये ध्यान रखिए, कभी भी अगर यूज करने से पहले आप अपने सिर को, हेड को बढ़िया से बेबी जॉनसन शैम्पू से आपको क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही लगाना है। अगर थोड़ा भी बहुत अगर डस्ट आ गया तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, इसीलिए ध्यान रखिए कभी भी लगाने से पहले आपको क्लीन करना ज़रूरी है, इवनिंग में सोने से पहले, सुबह नहाने के बाद। ओके और इसकी बात करें प्राइस के बारे में, प्राइस दोस्तों ये दुबई में 120 दरहम का आता है, और इंडिया की बात करें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, आप परचेस कर लेना। और इंडिया में इसकी बात करें जो फ्लिपकार्ट पे है लगभग 3200 रुपीज़ का है, लेकिन ध्यान रखें इसमें दो क्वालिटी के आते हैं, एक लो क्वालिटी का भी 1200 का आता है और अच्छा वाला जो ओरिजिनल होता है वो आपका 3200 का मिल जाएगा, साथ में डर्मा रोलर भी फ्री मिलता है। ध्यान रखने की बात ये है, आपको आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके गाइज, तो ठीक है, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।